ये सारी क्रश की मशीनें हैं ना, ये सब क्रश बन रहे हैं पुल 11 पे, सब मशीनें लगी। इधर बजरी भी सस्ती ये हो। जितना मोटरवेज आपके रोड जितने बन रहे हैं सब पे यही क्रश जा रहा है यहाँ से। ये देखे पहाड़ तोड़ तोड़ के उन्होंने ना क्या हाल कर दिया है इनका। इधर बजरी भी सस्ती होगी। हाँ ये सभी ऐसी बात है भाई, तू पहाड़ देख, लंडे पहाड़ हुए पड़े, काट काट के फेंक दिए उन्होंने ये सारी बजरी। क्रश जितना भी है ये जा रहा है वहाँ मोटरवेज, सब मशीनें काम कर रही है। घंटे तो हमें लगेंगे अभी, ये सर ये एयरबेस है पीछे। हाँ एयरबेस, उनके रेडार, उसी के रेडार सारे लगे हुए हैं आर्मी के, नीचे चौकी भी है। शॉर्टकट पड़ा है, कमाल हो गया, व्हाट अ व्यू यार। ये है कबीर सैलो, जहाँ सीमेंट आता है और क्या है, सीमेंट आता है आगे पैकिंग भी तो हो रही है ना आगे। चलो आप देख नहीं रहे कितने बड़े बड़े, उधर किधर जा रहे हो भाई, गड्डी अंदर लेके जानी है पता चल रहा है। और ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं पैकिंग प्लांट पर, पैक हो रहा थी ना। सारी गाड़ियाँ लाइनों में लगी हैं लोडिंग के लिए, पैकिंग प्लांट लगे हैं ऑटोमेटिक। गाड़ी लगी हुई है अब उस पर डायरेक्ट पेमेंट आएगा, बस उसने बोरियां लगनी है। ये लोडिंग बोरी ये भी लगी हुई है पैकर पे, ये भी पैकर पे लगी हुई लोड हो रही है। ये भी रुको जरा यहाँ पे, ये रुको 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 रुको, तुम्हें काम सुनाई देता है। ये पैकर पे लगी हुई गाड़ी लोड हो रही है, रश ऊपर से आ रहा है। पीछे पैकर पे आ रहा है ना सीमेंट ऑटोमेटिक, जब बोरी उनके पास आती है तो बाद वो स्टैकिंग करते जाते हैं। चलें उधर उस गाड़ी के साथ, ये गाड़ियां की सारी ये तो बसों सब ये हमारी अंडर लोडिंग स्टेटस है। हाँ अंडर लोडिंग, चलें उधर प्लांट पे चले, सब गाड़ियां अंडर लोडिंग नंबरों पे लग गई है ना। इधर से जाना भाई, वो रास्ता है, वो रास्ता है, ये सारी गाड़ियां लगी हुई हैं वेट कर रही हैं अपने नंबर का।
सारा पुराना ही है। वो पीछे पहाड़ों से सारा क्रश आ रहा है ना, वो पीछे जो पहाड़ तो जाएगा। जो कहते हैं यहाँ गिरता है ना कभी नहीं बचा। ये जी काला बाग पुल है, काला बाग शहर की तरफ जा रहे हैं हम। बिल्कुल दरिया के किनारे किनारे पीछे जाके डैम बनना था जो कालाबाग डैम था, और ये आगे शहर आबाद है पूरा कालाबाग का। ये देखिए ये बच्चियां क्लेम करते हो। हाँ जी हाँ, तो दारी बात है वही करेंगे कालाबाग। ये एक ट्रक आ रहा है जनाब, ट्रॉला, अभी ये जा रहा है अंदर लोडिंग के लिए, लोड करेगा। बीपीएस से इन हो रहा है, ऐसे जा रहा है जैसे प्लेन फ्लाइट लेने के लिए ना, टेक ऑफ करने के लिए जा रहा होता है। वाह अमेजिंग। ये जी मस्जिद है दरिया के अंदर, आगे काला पार्क पुल है, और ये इंडस्ट्री वर है। वाह कितना स्पीड से पानी आ रहा है। ये पीछे पहाड़ है, अभी अंधेरा है जिस वजह से ना शो नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा व्यू। और ये पानी के अंदर मस्जिद है दरिया के, ये देखें शोर आ रहा है, कितना स्पीड से पानी जा रहा है। बहुत स्पीड है पानी का, बहुत गहरा पानी। और ये मस्जिद है, यहाँ हमने नमाज पढ़ी, बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत प्यारा व्यू है, जबरदस्त। क्या व्यू है, क्या कुदरत है, क्या नजारा है। ये हमारे पीछे पहाड़ है, ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल पानी के अंदर, आधी मस्जिद पानी में दरिया में और आधी पहाड़ के ऊपर, ये सारा पानी आ रहा है। ये देखो पानी है नीचे काला। देख रहे हो तभी, ये सारा प्लांट है। इधर आया मैं वीडियो बनाऊं, मैंने आपसे वो आते हुए वीडियो नहीं बनाई थी। मैं बना रहा हूं, मैं आपको भेजोगे? सही रिजल्ट है। हां ये देख, ये सारा सीमेंट जो है ना इस प्रोसेस से गुजरता है। इधर जा सारी मिट्टी क्रश पत्थर लाइमस्टोन है ना जो। चलो हम गलत नहीं आ गए, गलत आ गए हैं यहाँ से। आप एग्जिट कहाँ से होंगे? ये सारा लाइमस्टोन आया पड़ा है, ठीक है ना, इसको भी अभी ये जनाब क्रश करेंगे, मेल्ट करेंगे। और ये सारी कन्वेयर से लगी हुई हैं, इन पे ना जहाँ वो मिट्टी क्रश नहीं हो रही सारी पत्थर, इन कन्वेयर के थ्रू यहाँ पे आता है प्लांट पे।
आई थिंक आपने यहाँ से राइट टर्न लेना है, ये सामने जो है ना वो प्लांट लगा है ना नया, वो जो पीछे है वहाँ पे गाड़ियाँ लोड होती हैं। जी सलाम शफीक, कैसे हो जी बताएं। वाओ आपकी कॉल अमेजिंग। अच्छा वाइट प्लांट पे भेजी है। अच्छा बस ठीक है, फॉलो अप रखना, मुझे गाड़ी चाहिए यार। ये भी कन्वेयर है। ओके 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 ओके। प्लांट पे भाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। ये देखो ये सारा लाइमस्टोन 40 अरब रुपए का लगा है प्लांट, ये जो अभी हमारा लगा था। कौन सा वाला? ये नया वाला। एक ही प्लांट सिर्फ 40 अरब? सिर्फ हाँ जी, एक प्लांट 40 सिर्फ 40 अरब। इसी के तो पैसे हैं सारे, और क्या, बाकी सारी मिट्टी है या कोल है? है सीमेंट में क्या है, मिट्टी है या कोल है, बस उसी को प्रोसेस करके। और प्लांट की मेंटेनेंस पे बहुत पैसा लगता है। ये देखें कितना बड़ा जिन नुमा है। ओए ये देख, ये भी ऊपर कन्वेयर से लगी हुई। ये देख ये बजरी सारी जो क्रश हो रही है इस प्लांट में। ये ड्राइवर भाई लगता है भूख से या नींद से ना घूमना पड़ा। मुझे लग रहा है आपकी नींद पूरी नहीं हुई, रात को लेट आए ना इसलिए। प्लांट पे जितने लोग काम करते हैं ना इंजीनियर्स, इनको ऑपरेट करना कौन सा आसान काम है, उनकी सैलरी बहुत हाई होती है। इंजीनियर होंगे जो इंजीनियर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जितने अपॉइंटमेंट्स होती है ना 3 लाख 3.5 लाख, इससे कम अपॉइंटमेंट नहीं होती उनकी। जितने भी मैकेनिकल के हैं इधर तो नहीं जाना यार, इधर से तो हम नीचे से गुजर के उधर ही जाना है। हैं कल इधर ही जाना है, राइट ही जाना है, आप पीछे फिर जा रहे हो वापस प्लांट के नीचे, नीचे से गुजरना है हमने। वो वहाँ से आगे नीचे चल रहा है उस साइड टर्न हो जाना। ये देखिए जी, वाओ। लोग कहते हैं पता नहीं ऐवे ही ना मिट्टी मिक्स करके ना दे देते कहते हैं मिट्टी भेजते हैं। किधर जाना चाह रहे हो? वो ऊपर वाले रास्ते से जा रहे हैं भाई। आप लोग फ्रंट पे बैठे हो, मुझे नहीं पता उस रोड पे तो जाना है, उस रोड पे जाना कैसे है आपने? वही ठीक है, उस रास्ते से जाना। वो देख कन्वेयर वो मंगेरिया खा रहे हैं यार। मैं तो आपको कैसा इधर से राइट कर रहा हूँ। यहाँ से जाओगे ना ये भी सारा ही क्रश है, कोल है, वो पीछे कोल है। ये कन्वेयर है, ये
ये भी सैलून। अल्लाह अल्लाह, फिर वापस आ गए? अभी ठीक जा रहे हैं। मतलब मैं लेफ्ट, आपने अंदर को जाना, लेफ्ट जाने तो फिर आप वापस। नीचे से भी जाता है। अच्छा, हम वो नीचे से देख लें। अभी सारा एक जैसा ही सिस्टम लगेगा जो आपको इजी लगता है भाई। अच्छा, लोग कहते हैं एम ही ना, सीमेंट कंपनियां ना मट्टी बेच रही हैं। अब उनको बंदा क्या बताया कि इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है जो सीमेंट बना रहा है, ऐसे मट्टी होती तो फिर वो भी बना लेते हैं। इंसान हमें इमेजिन ही नहीं कर सकता। पूछ लो इससे, इससे पूछ लो, यही रास्ता जा रहा है। हाँ, यही एग्जिट है। सीमेंट बनने से पहले वो क्या बोलते हैं उसको यार, जो प्रिपेयर कर, जो रॉ मटेरियल फॉर्म में होता है ना, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया यार। बैटरी लो गया मोबाइल की? नहीं हाँ? नहीं, कितने का लो? खा पी के उन्होंने बर्तन भी खाली कर दिए हैं। हाँ, एग्जिट भी यहाँ से ही है। अभी मैंने ट्रांसपोर्टर्स को जाने दिया, मैंने कहा चलें, लेकिन अब मैंने इनको बिठा लेना, पूरी रात चाहे मुझे बिठाना पड़ा। वो व्हाइट प्लांट है। कौन सा? वो वाला जो हमारा ना, वो सामने इतना फासला व्हाइट में और ग्रे में। हाँ जी, वहाँ से गाड़ियाँ गुजर के जाती हैं जितनी भी हैं। सी पैक भी उसके साथ ही है। वो व्हाइट है, ये ब्लैक है, लेकिन ये फासला काफी ज्यादा है। मैं समझ रहा हूँ इतना नहीं, नहीं इतना ज्यादा फासला नहीं है, गाड़ी वहाँ से गुजर के जाती है। व्हाइट प्लांट से गुजर के इधर आती है। हाँ, वहाँ से सबसे ज्यादा पैसा इसकी मेंटेनेंस पे लगता है। और क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ही है, लेकिन इसके बावजूद भी देख लो प्रॉफिट कितना है। इतने इतने बड़े बुर्ज खड़े किए हुए हैं सीमेंट के, इस द्वारा सीमेंट प्रोसेस हो रहा है, मिट्टी प्रोसेस हो रही है। इधर ये सारा कोल है, कोल पड़ा है, एक रश जो ब्रेक करते हैं, प्रोसेस करते हैं, छोटे सेलोज हैं, फिर आगे वो बड़े सेलोज हैं। यहाँ पे मेन सीमेंट तैयार होता है, ये हैं बड़े सेलोज, ये जो बड़े हैं इधर ये भाई सामने, ये और आगे उधर पैकिंग प्लांट है, वहाँ सीमेंट पैक हो के ट्रैक लोड हो रहा है। यार 15 मिनट तो मैं फैक्ट्री के अंदर ही घूमते घूमते हो। चलें देख लो ना, आइडिया हो तुम्हें सीमेंट प्लांट कैसे होते हैं। छोटी कैसे बनाएगी?
ऊपर ये मतलब छत बनाई हुई है तो ये क्रश है, इसको अगर ना भी ऊपर से छत के ऊपर डाले तो कोई मेरे पास कुछ है भाई इसमें सारा देखो क्रश मिट्टी पीछे क्रशर लग गया हुआ ना इधर ही है उधर ही है पता चल गया अब किधर है यार तो बस ये पैकिंग प्लांट है सामने दूसरे पैकिंग प्लांट पे अच्छा यहाँ पैकिंग पे ये लाइन है जो लगी हुई है यहाँ पे गाड़ियाँ लगती है लाइन पे जी यहाँ लगती है ऊपर से फ्रेश सीमेंट आ रहा है पैक हो के चलो जी सही है अब मुझे हमें बताओ कि हमने जाना ये वे ब्रिज है ठीक है ये कौन सा ये वे ब्रिज है अच्छा। जो गाड़ियां आती हैं अंदर उधर जाना वो सामने ऑफिस अच्छा वे ब्रिज है कौन सा वाला यार ये पीछे अच्छा ये देखो ये लगे हुए क्रश है तो बसंत साहब हम किधर जा रहे हैं किधर जाना हमें यार तू चुप कर जा चुप करता है तू इधर इसी दफ्तर में कह रहे हैं